समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में भगवान ने तीन अवतार धारण किए। समुद्र मंथन किस युग में हुआ था मैया बताएंगी, समुद्र मंथन किस युग में हुआ था, किस युग में, हाँ ये मैया बताएंगी मेरी माँ, हाँ किस युग में हुआ था मेरी माँ, किस युग में, सतयुग, आप बताओ किस युग में हुआ था मैया, आप नहीं थे उस युग में क्या? नहीं महाराज हम वहां नहीं थे इसलिए हमें नहीं आइडिया नहीं है। समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में, किन किन लोगों ने मंथन किया था, देवताओं ने और दैत्यों ने। अच्छा समुद्र मंथन जब हुआ तो मछानी किसकी बनाई गई, मंदराचल पर्वत, रस्सी किसकी बनाई गई, वासुकी नांग की रस्सी, मंदराचल पर्वत की मछानी, और देवताओं ने और दैत्यों ने मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला, सबसे पहले जोर से जोर से जहर, क्या मतलब निकला, जब भी आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले जहर निकलता है। कथा शुरू होने के पहले ही कथा में पांडाल में पानी भर गया, शुभ कार्य करो पहले जहर, पहले विघ्न। लेकिन एक बात है कि यदि शुरू में विष निकला है तो अंत में अमृत भी निकला है, डटे रहो, यदि जहर निकला है तो अमृत भी निकलेगा। ये तुम्हारे लिए मैसेज है कि जीवन में आप कोई भी काम करो, फैक्ट्री डालो, बिजनेस करो, तो पहले थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है। क्या हाथ लगती है, अरे अब तो लगता धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी, ये जहर निकल रहा है, निकलने दो, पॉजिटिव रहो। शुरू में ये उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ लोग घबरा कर छोड़ देते हैं, आखिरी में अमृत निकलने वाला था और आपने तो छोड़ दिया। हमारे देश में अक्सर लोग यही करते हैं, कुछ लोग कि काम करेंगे उनको लगेगा यार इस काम में, तो आप भक्ति करने लग जाओ तो भी आपको भक्ति करने वाले लोग भी, भक्ति करने वालों को भी दुनिया के लोग ताने मारते हैं, बड़ी मीरा बन रही है। तो ये सब जहर निकल रहा है, आप कोई भी शुभ कार्य करो पहले क्या निकलेगा, जहर। लेकिन लगे रहो, अपने कर्म को ना छोड़ो, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, भक्ति को ना छोड़ो, अपने कर्म को मत छोड़ो। यदि जहर शुरू में निकला है तो अंत में अमृत भी निकलेगा, लेकिन अंत तक लगे रहना पड़ेगा, हारना नहीं। हमारे शास्त्रों ने कभी हारना नहीं सिखाया, लगे रहो मेहनत। देखो ना कम लोग आए, अव्यवस्था थी, फिर भी हम अपना कार्य करते रहे, हमारे यजमान जी मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे। आज मेरठ में इतिहास बनेगा सदा के लिए कि इस भीषण बारिश में भी पांडाल में पानी भरने के बावजूद भी पांडाल फुल था, पांडाल फुल, भक्तों से पानी बरस रहा है, भय भक्त गीले हो रहे हैं, फिर भी पांडाल खचाखच भक्तों से भरा। बोलो हां, दो फिट तीन फिट पानी, आज तो कम पानी भरा, शुरू दिन तो और ज्यादा था। तो पहले क्या निकलेगा, जहर। दूसरे नंबर पर क्या निकली, अच्छा जहर किसने पिया, भोलेनाथ ने, देवताओं ने पिया अमृत और शंकर जी ने पिया विष, जहर। तो बताओ अमृत पीने वाले बड़े हुए कि जहर पीने वाले, देवता अमृत पिए तो देवता देव कहलाए, शंकर जी जहर पिए तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा ना होता साहब, बड़ा ना होगा, समाज का कड़वा घूंट पीने वाला व्यक्ति महान होता। हर परिस्थिति में भी संतुलित रहे,
धैर्य धारण करे वो व्यक्ति महान होता है। इसलिए कभी किसी भी परिस्थिति पर आप अपना धैर्य ना खोएं, संतुलन ना खोएं। भगवान परीक्षा लेते हैं, पास होते हैं। इसलिए समुद्र मंथन में जहर निकला, शंकर जी ने पिया, कामधेनु गाय, कौन निकली? गाय, संतों ने लिया। आप भी गाय की सेवा करते हो? करो। घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, हाथी ऐरावत नाम का हाथी, लक्ष्मी जी निकली, नारायण ने वरण किया, हयग्रीव भगवान ने अमृत लेकर प्रकट हुए और अमृत लिए तो दैत्यों ने छीन लिया, फिर मोहिनी भगवान ने अमृत का बंटवारा ठीक ठीक से कराया, देवताओं को पिलाया अमृत और राक्षसों को पानी पिलाते रहे, बस मुस्कुरा दे उनकी तरफ देख के, वो इतने ही में खुश थे, तुम तो मुस्कुराते रहो हमें देख के बस। राक्षसों को भगवान ने अमृत नहीं पिलाया, क्यों? कारण था कि अच्छे लोग अमर हो जाएं अच्छी बात है, बुरे लोग अमर हो जाएंगे तो ये सारी जिंदगी गलत काम करेंगे। इसलिए अच्छे आदमी के पास पैसा आएगा तो वो अच्छे काम में लगाएगा, बुरे आदमी के पास पैसा आएगा तो बुरे काम में लगाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान सदा अच्छे लोगों को ही धन दें, ताकि वो सदा धन से धर्म करते रहे। जैसे कि हमारे भैया श्रीमान राजेश सिंघल जी, विपिन जी है ना, श्वेता ज्वेलर्स, मीरा ज्वेलर्स, भगवान से प्रार्थना कि इन्हें धन दें, क्योंकि इन्हें धन मिलेगा तो ये धन से देखो समाज की सेवा कथा के द्वारा कर रहे हैं, खूब सारी सेवाएं करते हैं। अच्छे लोगों के पास धन होगा तो उनका धन कहां खर्च होगा? धर्म में। और गलत आदमी के पास, मेरठ में पैसे वालों की कमी थोड़ी है क्या? एक से बढ़कर एक है, लेकिन पैसा आपके पास कितना है मायने नहीं रखता, आप अपने धन को धर्म से कितना जोड़ते हैं ये मायने रखता। इसलिए अपने बच्चों को ये संस्कार देकर जाना विरासत में कि बेटा जो कमाना उसका 5% 4% सदा परोपकार के लिए रखना, इससे धन में सदा वृद्धि होगी। यदि धन से आप धर्म करना बंद कर देंगे तो आप देख लेना कि आप माइनस हो जाएंगे। धन तब बढ़ता है जब धर्म होता है। इसलिए धन से क्या करना चाहिए आपको? धर्म करना चाहिए। हमारे भैया श्री राजेश भैया जी वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की, ठाकुर जी की सेवा, ये जो सिंहासन बैठे हैं ठाकुर जी को बैठने के सिंहासन की सेवा भी इन्होंने ही की है, जिस सिंहासन पर ठाकुर जी सुशोभित हो रहे हैं, सिंहासन इन्होंने ही बनाकर ठाकुर जी को भेंट किया। तो ये सेवा करते रहते हैं, और भी तमाम सेवा, ये भागवत जी के लिए सेवा इन्होंने दी, तो ये सेवाओं से जुड़े हैं और करते रहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना, प्रभु अच्छे लोगों को धन धान्य से भरते रहिए, ताकि ये धन को धर्म से जोड़ते रहें। आप भी अपने धन को यथा शक्ति यथा सामर्थ्य जोड़िएगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो व्यक्ति धर्म की भावना रखता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। क्या नहीं आता मेरी मां? संकट। जीवन में जब आपको भगवान कुछ देने के लायक बनाए तो खुशी से दीजिएगा। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मैं अपने गांव में ना, बचपन में गांव में घर घर जाके भिक्षा मांगा करता था। एक बार मैं किसी के घर भिक्षा मांगने गया तो उन्होंने कह दिया, पंडित जी बाद में आना। उन्होंने क्या कहा? पंडित जी बाद में आना, शायद उनका मन देने का। और देता क्या था आदमी? जरा से कटोरी में चावल, जरा सा मुट्ठी दो मुट्ठी आटा, यही मिलता था भिक्षा में। हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे। एक सज्जन ने एक मैया
ने कह दिया महाराज बाद में आना, मतलब वो टालना चाहती थी। साहब मेरा सिद्धांत था कि जो देगा उसके पास जाऊंगा, देने का मन नहीं है। मैं दोबारा जब भी रोज रोज नहीं, कभी कभी भिक्षा मांगने, अच्छा भिक्षा हम मांगते तो थे पर मांग कर ले आते थे। आटा मिलता था भिक्षा में, चावल मिलता था और दाल मिलती थी, अक्सर दाल चने की ज्यादा मिलती थी। तो हमारे यहां जब तक वो आटा चलता था तब तक हम दोबारा भिक्षा में नहीं जाते थे। भाई है, ज्यादा मांग के रखेंगे तो खराब हो जाएगा। कोई बेचने की भावना थी नहीं कि बेच के पैसे लाना ही नहीं, खाने के लिए लाते थे मांग कर। तो आटा 10-15 दिन चलता था, तो जब तक चलता था तो नहीं जाते थे, खत्म हो जाए तो खत्म होने के 2 दिन पहले फिर भिक्षा में निकल जाते थे। मां बता दिया करती थी कि अब राशन खत्म हो रहा, जा भिक्षा ले आओ। तो भिक्षा लेने हम जाया करते थे। तो पिछली बार जिसने मना कर दिया कि महाराज बाद में आना, सच्ची बताएं हम दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हर 15 दिन में जाते थे, लेकिन उस घर में नहीं जाते थे। एक दिन वो घर की मालकिन हमें मिल गई, पंडित जी आप हमारे घर आते नहीं है भिक्षा लेने, क्या करें मैया, गुजारा हो जाता है, सब मिल जाता है। उसके बाद में उनके घर कभी नहीं गया। एक दिन वो रोती रोती आई, बोले आप हमारे घर भिक्षा लेने नहीं आते, क्या करें मैया, आपके घर आप बिजी रहती हो, काम में आप व्यस्त रहती हो, क्या करें। बोले आपकी बार आना। हमने कहा नहीं, अब हो जाता, ठाकुर जी देते हैं। तो फिर उन्होंने, उनका भाव अब बना, अब उन्हें लगा कि देना चाहिए या जो भी प्रेरणा, पर हम गए नहीं। इससे एक सीख ली है हमने, आप लोग लेंगे कि नहीं, यदि ईश्वर ने हमें देने लायक बनाया है तो जरूर देना, क्योंकि देने लायक विधाता ने बनाया है। देने की सामर्थ्य किसके अंदर, किसने दी है, ईश्वर ने। यदि उसने देने के लायक ना बनाया होता तो बताओ आप क्या देते। आप दे रहे हैं, इस अभिमान को हटा दीजिए, आपसे ईश्वर दिला रहे हैं, ये सही है। हम और आप कुछ नहीं है करने वाले, इसलिए ये अभिमान ना रखो। यदि आपके घर कोई भिक्षा मांगने आए तो समझ लेना कि इस रूप में भगवान आ रहे हैं, आपके घर की कोई भिक्षा ले रहा है तो ये आप पर बिहारी जी की कृपा है, वरना आज के जमाने में कौन किसके घर भिक्षा मांगने जाता है। लोग बचपन में अलग चावल दिया करते थे, मोटे चावल, टूटे चावल, अपना खाने का चावल अलग था, दान में देने का चावल अलग था। मैं बचपन में एक सपना लेकर चलता था, सपने तो मैंने भी बचपन में देखे हैं। मैंने कभी गाड़ी बंगले के सपने नहीं देखे कि मैं बड़ा होकर गाड़ी खरीदूंगा, बंगला लूंगा, ये कोई सपना नहीं। मैं बचपन में भिक्षा मांगने जाता था तब मेरे मन में एक सपना था कि बड़ा होऊंगा तो एक अन्य क्षेत्र शुरू करूंगा, जहां पर कोई भी आए सबको भरपेट भोजन कराऊंगा। मुझे खिलाने का, भोजन कराने का बड़ा शौक था बचपन से। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं स्वयं बनाकर खिलाता था। मैं आज भी, आज मतलब 2023 की आज की तारीख में भी मैं 500 और 1000 लोगों का भोजन कुछ ही घंटे में तैयार कर सकता हूं, आज भी मेरे अभ्यास है। एक कुंटल मतलब 100 किलो आटा, 100 किलो आटा की रोटी मैं एक बैठक में बना लेता था। एक बार बैठता था तो 100 किलो आटे की रोटी बेल कर उठता था, रोटी। विद्यार्थी जीवन था ना, तो आश्रम में ड्यूटी लगती थी सेवा, एक दिन सेवा करनी, तो भोजन, एक दिन भोजन वो विद्यार्थी बनाएगा, एक दिन भोजन ये विद्यार्थी बनाएगा, हेल्प में भी लोग रहते थे। लेकिन मेरी ड्यूटी जब आती थी तो जिनकी, जो वहां के हेल्प करने वाले थे, वो छुट्टी पे चले जाते थे कि आज मेरे स्कूल का नाम था अनिल, आज अनिल की ड्यूटी है तो आज कोई नहीं जाएगा, वो खुद करेगा। तो मेरी ड्यूटी जिस दिन आश्रम में भोजन बनाने की होती थी, मैं अपने हाथ से दाल, सब्जी, चावल और रोटी, 4 चीजें बनाता था, और 500 लोगों के लिए बनाता था, कभी 200 लोगों का, कभी 500 लोगों का, कभी 1000 लोगों का बनाता था।
तो मैं कभी पीछे नहीं हटता था, सबको भोजन बनाओ मैं भोजन बनाता था, सबको भोजन कराता था, भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करता था। जैसे घर में माँ सबको भोजन करा के खाती है ना, कई बार उसके लिए सब्जी भी नहीं बचती, कई बार माँ के लिए दाल भी नहीं बचती क्योंकि सब परोस देती है, तो वो अचार रोटी ऐसा कई बार मैंने देखा कि सब खिलाने के बाद दाल भी नहीं बची, सब्जी भी नहीं बची, तो भी खाए। हर परिस्थिति पर पॉजिटिव रहे और भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु आज यदि आपकी इच्छा है कि मैं भीख मांगूं तो आपकी खुशी में मेरी खुशी, और जब आप देंगे तो सेवा करूंगा। इसलिए बिहारी जी ने सेवा करूंगा, सेवा दास अनिरुद्ध ने किया, इसलिए बिहारी जी ने आज गौरी गोपाल आश्रम में इतनी बड़ी सेवा है कि पूरे भारत देश की रसोइयों में पांचवे नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। एक भिखमंगे से, एक भिखारी से ठाकुर जी ने इतना इतनी बड़ी सेवा कराई, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए मेरी औकात क्या थी, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। इसलिए भगवान सबको देख रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, नेकी के रास्ते पर चलना साहब, कोई जमाना आपके साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, भगवान आपके साथ है। जगत पर विश्वास ना करना और जगत के भरोसे ना रहना, सदा जगन्नाथ के भरोसे रहना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा हमें जो भी आज हम समय हम आपके मेरठ आए कथा सुनाने, जानते हैं क्यों, जब हम आश्रम से आते हैं ना तो हमारी माताएं बोलती हैं बेटा कब आओगे, तब मैं अपनी माँ से कहता हूँ माँ मैं केवल आप लोगों के लिए जा रहा हूं, मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं है, चार पैसे कमाऊंगा तो आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा। इसलिए जैसे आप चार पैसा कमाने के लिए जाते हैं शहर, चार पैसा कमाने नौकरी करते हैं, मैं तो नौकरी नहीं करता, बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं, केवल भिक्षा के बल पर आज वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं। इसलिए इस भिक्षुक को आप भिक्षा देने लायक समझें तो जरूर दें, क्योंकि हम ऐसे भिक्षुक हैं कि बार बार हम आते भी नहीं हैं, हम ऐसे भिक्षुक हैं कि बार बार आते नहीं और बार बार कहते नहीं, आपकी मर्जी हो दो, मर्जी ना हो मत दो, खुश रहो, आशीर्वाद दो कि सेवा करता रहो। देने वाले तो भगवान है, कभी वो हमें निमित्त बनाकर सेवा करते हैं, कभी वो आपको निमित्त बना करके सेवा कराते हैं, करना कराना भगवान को है, वो हमें और आपको। इसलिए आपसे कहूंगा कि वृंदावन में एक दिन की अन्य सेवा अपने बच्चों के नाम से आप भी बटवाइएगा, अन्य क्षेत्र संतों को आप भी दीजिएगा। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, हजारों 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वृंदावन में जो सेवा गौरी गोपाल आश्रम में चलती, कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जो देखे हैं वो हाथ उठाएं। देखो मेरठ में भी इतने लोग देखने वाले हैं, पूरे भारत देश के मैं कोने कोने जाता हूं, कोई ना कोई वृंदावन की सेवा देखने वाला भक्त मुझे मिल ही जाता है। इसलिए जो लोग नहीं आए, मैं आप मेरठ वासियों से हाथ जोड़कर कहता हूं वृंदावन आना, पहले गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं को अपनी आंखों से देखना, और देखने के बाद लगे तो सेवा में सहयोग करना कि हाँ यहां सेवा हो रही है। 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं निःशुल्क, एक रुपए चार्ज नहीं है किसी का, भैया ने तो देखा है कई बार, अपने हाथ से बांटकर सेवा भी की है। तो आप भी सेवाएं करो, जुड़ो अच्छे कार्यों से, अच्छे कार्य हमारे संग चलेंगे, अच्छे कार्य हमारे साथ जाते हैं, है ना। वृंदावन में अन्य दान के अतिरिक्त तो वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, वो माए जिन माओं को बेटों ने घर से दुत्कार दिया, निकाल दिया, धक्के मार दिए, बेसहारा असहाय माँ कहाँ जाएं, उन माओ के लिए भगवान ने प्रेरणा दी कि बेटा निरुद्ध तुम हाथ बढ़ाओ, और इन माओ के लिए मैंने आप लोगों से भिक्षा मांगी, आप लोगों ने दी, आपके सहयोग से आज 265 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं, और माओ के रहने की खाने की दवाई की कपड़ों की प्रॉपर व्यवस्था, कभी आकर देखना, आपकी एक माँ है, हमारी 265 माताएं वर्तमान में हैं, और लाखों करोड़ों जो घर घर माएं सुन रही हैं वो अलग है।
वो भी है। 1000 माओं के लिए अब 265 माएं हैं, रोज कोई ना कोई माँ आती है, बेटा हमें भी रख लो, हमारे बेटे ने निकाल दिया, बहू ने मारा, बेटी ने निकाल दिया, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन माओं का दुख इतना होता है, हम बेटों को फोन लगाते हैं, जो माँ आती है ना ऐसे नहीं रख लेते डायरेक्ट, पहले उनके बेटों से बात करते हैं कि बेटा तुमने अपनी माँ को क्यों निकाला, पहले समझाते हैं कि बेटा माँ भगवान होती है, सेवा करो। कुछ बेटे तो समझदार होते हैं, गलती स्वीकार कर लेते, अच्छा महाराज जी गलती हो गई, हम माँ की सेवा, समझाता हूँ मैं उनको, तो ले जाते हैं, कुछ बेटे तो ले जाते हैं, पर कुछ कहते हैं नहीं हमारी माँ तो मर गई हमारे लिए, हमारी माँ का अब तो मुंह ना दिखाना अपना। जब ऐसी उल्टी सीधी बातें बेटे करते हैं कि माँ का मुंह नहीं देखूंगा, वापस मत आना, तब फिर उन माओं को मजबूरन, जब बच्चे नहीं रखते, सेवा नहीं करते, तब दास अनिरुद्ध श्रद्धा से उन माओं के रखकर माओं की सेवा करता। क्या करें, अब कहां जाए, उन्हें निकालें तो वो जाएंगी कहां, ठुकराई सताई तो आई है। इसलिए आप अपने घर में बड़े से कमरे में रहते हैं, बड़े से बंगले में रहते हैं, एक छोटा सा कमरा बनवाकर उन वृद्ध माओं के लिए भी आप जरूर देना, यदि देने के लायक ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो भगवान से प्रार्थना करो कि विधाता हमें से लायक बनाओ कि हम भी किसी बेसहारा माँ का सहारा बन सकें, तो ईश्वर आपको लायक बनाएंगे। तो आप लोग यदि लायक हैं तो सेवा करना, लायक नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करना। आप भी एक कमरे का सहयोग मेरठवासी कर सकते हैं, कमरे का नहीं तो कमरे की छत डलवाए, एक कमरे की छत का सहयोग आप कर सकते हैं, एक कमरे की छत का योगदान आप करें, या एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प करें। ऐसी सेवाएं चल रही हैं, आप जुड़ें। अभी वृंदावन में एक गुरुकुल की स्थापना हुई है, अभी बच्चों की भर्ती हुई है, एक गुरुकुल बना वृंदावन में, गौरी गोपाल गुरुकुल। उस गुरुकुल में जो हमारी भारतीय शिक्षा रही है वेद और विज्ञान की, वो लुप्त तो होती चली गई, उस विद्या को बचाने के लिए, उस भारतीयता को बचाने के लिए एक गुरुकुल बन रहा है, बन गया, मतलब काम तो सालों तक चलेगा, पर छोटा सा तैयार कर लिया है जहां बच्चे रह करके अपने पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। तो अभी 100 बच्चे इस वर्ष रह रहे हैं, अभी आप आइएगा तो मैं आपको विद्यार्थियों का दर्शन कराऊंगा, 100 बच्चे, एक भी रुपया शुल्क नहीं, बच्चों को रहने की, खाने की और शिक्षा की पूरी व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम में। ये भिखारी जो है ना, भीख मांग मांग कर केवल राष्ट्र की सेवा करते जा रहा है, वो सेवा जिस सेवा की आज देश को जरूरत है। यदि शिक्षा रहेगी, संस्कार रहेंगे तो सब रहेगा। इसलिए वहां पढ़ने वाले बच्चों को वेद, व्याकरण, पुराण, जो भारतीय सब्जेक्ट थे हमारे दर्शन, वो पढ़ाए जाएंगे और पढ़कर परम संस्कारी होंगे और समाज को वो बच्चे बड़े उपयोगी बनकर आप देखेंगे कुछ वर्ष बाद कि वो बच्चे क्या करते हैं। तो आप लोग आइएगा और इस गुरुकुल के लिए आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। बन रहा है गुरुकुल, कुछ तैयार कर लिया छोटा सा हिस्सा, कुछ काम चल रहा है, तो आप भी गुरुकुल के निर्माण में एक ईंट ही सही शिक्षा के नाम पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा हो रही है। आप जितना सुन रहे हैं वो सब आकर देख सकते, मेरी एक भी बात यदि झूठी पाए आप लोग तो तलवार आपकी होगी और सिर हमारा होगा, यदि मेरी एक भी बात झूठी पाए तो। आकर देखिए, पहले देखो, ये दास अनिरुद्ध झूठ नहीं कहता, जो करता हूं वही कहता हूं। पहले आकर गौरी गोपाल आश्रम में देखिए, फिर विश्वास कीजिए, और विश्वास है तो सहयोग कीजिए, आपके सहयोग की जरूरत है आश्रम को। गौशाला है, गायों की सेवा, आप भी गौदान, गायों को चारा भूसा चोकर खली, गौ सेवा। आप लोग मेरठवासी तो घर में गाय रख नहीं सकते, तो आप अपने अपने नाम से एक गाय गौरी गोपाल गौशाला में रखो, और आप जब भी आया करो अपनी गाय के लिए चारा लेकर आया करो, गुड़ लेकर आया करो, खली लेकर आया करो। भाई मेरठ में गुड़ तो मिलता है, खली तो मिलती होगी, तो आओ तो 1 किलो खली डाल के ले आओ, 4 किलो खली डाल के दाना ले आओ, अपने हाथ से गाय को खिलाओ,
इस भाव से कि ये गाय हमारी घर में तो हम रख नहीं सकते, तो घर में ना रख के गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय अपनी रखो और वहां आप जब भी आओ उसके महीने भर की रोटी चारा की व्यवस्था आप करते रहो। तो इसी बहाने गायों की रक्षा होगी और आपका एक जुड़ाव बना रहेगा कि हम भी एक गाय रखे हैं। आपसे जब पूछा जाएगा कि आपकी गाय है घर पर, तो आप कह सकते हैं कि घर पर तो नहीं पर गौरी गोपाल गौशाला में हमारी एक गाय है, वो वहां पर है। चूंकि यहाँ रखने की व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं है, नगर पालिका आदेश नहीं करती, तो हमने अपनी गाय कहाँ रखी है? गौरी गोपाल, एक गाय की सेवा आप कीजिए, चारा की, भूसा की, रोटी की सेवा कीजिए। बंदर सेवा होती है, ये दास अपने हाथों से बंदरों को चना रोटी केला खिलाता, आप भी सेवा है साहब, बस जितना सेवा का कार्य कर लो वो धन अपने संग चलेगा, बाकी इस धरा पर जो धरा है सब धरा रह जाएगा।